my friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today I want to share with you Wings of Fire by APJ Abdul Kalam and Arun Tiwari. This is an autobiography by APJ Abdul Kalam. आप लोगों को तो पता ही होगा कि autobiography क्या है. Actually, autobiography is जब भी हम खुद के बारे में कुछ लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, ठीक है, तो उसे बोलता है ऑटोबायोग्राफी. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल. लाइक आप ऑटोग्राफ, तो यू नो व्हाट इज़ ऑटोग्राफ इज़, राइट? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं और महान पब्लिक जो होता है वो ऑटोग्राफ देते हैं. ऑटोग्राफ क्या होता है? उनका खुद का साइन ही होता है बस, और कुछ भी तो नहीं. तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है, बायोग्राफी यानी कि जीवन गाथा या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, तो मतलब लाइफ स्टोरी, टोटल लाइफ स्पैन में आपने क्या क्या किया है, आपका बचपन कैसे गुजरा, सब कुछ, ठीक है. तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब यही होता है कि उन्होंने खुद ही अपने जीवन को मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. सो इफ़ यू नो व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी देन इट्स फाइन, इफ़ यू डोंट नो, उनके लिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रो दे दिया है. ओके, सो ये बुक जो है बहुत ही पॉपुलर बुक है. आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर वन बेस्ट सेलर यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यूनिवर्सिटीज प्रेस का, प्रेस की ओर से है, एंड दिस इज़ अ रियली नाइस बुक. आपको ज़रूर खरीदने चाहिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि लाइफ में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के. और एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो आई विल रिक्वेस्ट यू हाईली कि आप सेकेंड टाइम कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए. क्योंकि मैंने इस बुक को परचेस किया था जब मैं क्लास 9 में थी या फिर क्लास 8 में थी, तब मैंने बुक को पढ़ा था. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है. तो मैंने सोचा कि ये फेमस बुक है तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूँ, लाइक क्या मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील हुआ था, ठीक है. बट जब मैं बड़ी होती जा रही थी एंड देन आई रियलाइज दैट मुझे फिर से एक बार इसको ट्राई करना चाहिए, इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी के. तब आपको चाहिए होता है कि कोई आपका हेल्प करे, कोई आपको एक ऐसा मोटिवेशनल बातें आपके साथ शेयर करे जो आपको यू नो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपका इंक्रीज हो जाए. कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर आप पाल रहे हो तो इट्स रियली हार्मफुल, आपके लिए भी हार्मफुल होगा और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपका लव्ड वंस उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है. दैट्स वाई. तो आप क्या करते हो, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो या फिर आपके फैमिली में जो जिसके साथ आप फ्री हो आप उनके साथ शेयर करते हो, लेकिन वो इंसान जो होता है वो उसका फ़ायदा भी ले सकता है. आजकल के ज़माने में जो होता है इंसान फ़ायदे लेते हैं जब आप उनको अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर देते हो, तब लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं. लेकिन उनमें से कईयों ऐसा नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं दोस्तों. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आप लोग डिप्रेशन में ना जाओ, आप लोग नेगेटिविटी में एकदम मतलब उससे बाहर आ जाओ. पॉजिटिव थिंकिंग रखना चालू कर दो लाइफ में तो आपके साथ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा. चाहे जैसा भी सिचुएशन आए लाइफ में तो आपको यही सोचना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, परफेक्टली फाइन. और आपको उसके लिए काम करना होगा. आप आइडलनेस अगर आप अपने आप पाल रहे हो, आप आलसी लाइफस्टाइल डील कर रहे हो, देन इट्स रियली अ क्राइम अकॉर्डिंग टू मी. और सिर्फ मैं नहीं, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही मानते हैं, ठीक है. तो आप लोग अगर आलसी हो, आप में से कोई भी, मैं किसी को पर्सनली यू नो ट्रोल नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ मैं आपका वेल विशर ही हूँ. तो आप आलसीनेस को एकदम गुड बाय बोल दीजिए और हार्ड वर्किंग में बिलीव रखिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं. तो
तो हमें हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है हर किसी को. सो या आप देख सकते हो इसका प्राइस 250 रुपीज़ है. यू कैन डेफिनेटली परचेज इट. एंड यह है बुक. डोंट वरी गाइज, मैं पूरा बुक आपको पढ़कर तो ये वीडियो तो है वो ख़त्म ही नहीं होगा अगर मैं पूरा बुक पढ़ना चालू कर दूँ तो आपको पढ़ना है. ठीक है, अगर आप लाइफ में एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, किसी से बोरो भी कर सकते हो आप. पढ़ लीजिए एक बार तो आपको अच्छा लगेगा और आपके लाइफ में चलने में आसानी होगी. क्योंकि इस बुक में जो है यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ है. तो अब्दुल कलाम जी जो है वो हमारे इंडिया के लिए गर्व ही है ना. बिकॉज आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली प्राउड ऑफ हिम. आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. ओके, सो ये बुक है किसके बारे में? ये ऑब्वियसली दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये है APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में. एंड इसमें आपको उनका बचपन का सब कुछ मिल जाएगा कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके, बहुत ही कॉमन एक इंसान थे वो जब वो छोटे थे. एक कॉमन से घर में, जैसे हम लोग का होता है, तो एक कॉमन से घर में उनका बर्थ हुआ था. ठीक है, तो उन्होंने एक कॉमन, बहुत ही कॉमन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके लाइफ में एक टेक्नोलॉजिस्ट, एक बहुत ही बड़ा, मतलब उन्होंने कितने एरोनॉटिकल लाइफ में, मतलब मिसाइल जो है वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, लाइक आकाश, अग्नि एंड ऑल. सो कैसा उनका जर्नी, कैसा था लाइफ टाइम का जर्नी, वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगी. उनका पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, एंड उनका फैमिली फ्रेंड है उनके बारे में भी आपको मिल जाएगी डिटेल्स. उनके पिताजी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो हेड प्रीस्ट है, उनका नाम मुझे बहुत बड़ा नाम है. आप लोगों को इस बुक में मिल जाएगी सब कुछ. तो अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है. उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, डेफिनेटली आप इतने एक कॉमन मैन से आप जब हाई लेवल में चले जाते हो तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि कितना स्ट्रगल के बाद एक पोजीशन मिलता है लोगों को. तो एंड ही इज़ जीनियस एज वी ऑल नो. एंड मिस्टर कलाम तो है हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट एज वी ऑल नो. बट इस बुक के दौरान हमें थोड़ा सा उनका पर्सनल लाइफ में भी झांकने का मौका मिल जाता है जो हम चाहते हैं, है ना. क्योंकि ये इतने बड़े पर्सनालिटी के इंसान का पर्सनल लाइफ कैसे गुजरे, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट निकाल लीजिए और पता कर लीजिए. एक्चुअली यू नो व्हाट दिस ऑटोबायोग्राफी comprises of a balance of details of technological and political challenges hote hain bahut sare, and face to prosper in its aeronautical and space program. So it is also a success story of Dr. Kalam's participative management practices. aap ye bhi keh sakte ho, theek hai, unka ek success story bhi hai is book pe. और विंग्स ऑफ फायर एक ऐसा बुक है, ठीक है, एक ऐसी किताब है जिसमें आपको हर तरह के, मतलब एक कॉमन यंग लड़के के लिए उनके ड्रीम को अचीव करने के लिए उनको कैसे कैसे मुश्किलात में, मतलब उन्होंने अपने लाइफ को कैसे झेला और मुश्किलों से उन्होंने कैसे टक्कर करके अपने ड्रीम्स को अचीव किया, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा. आप पढ़ते जाओगे और ग्रेजुअली आप जो है, आपका माइंड जो है वो खुलता जाएगा. और अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में ना आए तो आप सेकेंड टाइम कोशिश कीजिए. सेकेंड टाइम भी अगर आप फेलियर हो जाओ तो क्या हुआ, आप फिर से कोशिश कर सकते हो. क्योंकि बुक है, ये खो तो नहीं जाएगी. आप लाइफ में एक बार दो बार, मतलब आप बस समझ लीजिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आप समझना होगा बस, दैट्स इट. इस बुक की फर्स्ट पार्ट में आपको उनके बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनके फादर मदर के बारे में आपको मिल जाएगी. उन्होंने याद किया है उनको और उन्होंने बहुत सारे रिमेम्बर्स किए. आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगे, उनके फादर का पिक्चर यहाँ पर है. सो ही इज़
डॉक्टर कलाम्स फादर, एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रीस्ट है, हेड प्रीस्ट, जो इनके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड, तो ही इज़ दैट गाय. सो आपको पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो इंटरेस्टिंग हो जाती है बुक जब आप पिक्चर्स मिल जाती है आपको. यहाँ पर और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसा ही मिलेगी, एंड सेकेंड सेगमेंट में, बुक के सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको मिलेगी डॉक्टर कलाम्स एजुकेशन के बारे में एंड उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वर्क करने का, काम करने का एक्सपीरियंस, एंड उनका जो प्रोजेक्ट्स है मिलिट्री डिफेंस की, स्पेस, सब कुछ के बारे में, उनका जो रिसर्च, उसके बारे में आपको सेकेंड सेगमेंट में आपको पता चल जाएगा. थर्ड सेगमेंट में, सेगमेंट में आपको मिल जाएगी उनका जब 80 to 91 ईयर्स थे उनके, तो कलाम हैज पोस्टेड इज पोस्टेड फ्रॉम इसरो टू मिलिट्री डिफेंस लैब्स. उसका भी पिक्चर्स आपको, बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में. आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स है, और हमने तो सुना ही होगा आकाश, नागा, अग्नि, त्रिशूल, PS, LV, ये सब के बारे में तो हमने सुना ही होगा, ठीक है. सो सब कुछ डॉक्टर अब्दुल कलाम के ही नियामत है. एंड द लास्ट सेगमेंट, और आप कह सकते हो लास्ट पार्ट, लास्ट सेगमेंट इज कनेक्टेड विथ हिज विद द लेटर ईयर्स वेयर कलाम इज बिस्टोड अपॉन विद सीरीज ऑफ अवार्ड्स. उनके जो थिंकिंग है, हिज थॉट एंड हिज विशंस फॉर अ प्राउड इंडिया, ठीक है. उनका जो थिंकिंग था, एम था प्राउड इंडिया बनाने का, उसके बारे में है लास्ट पार्ट में. एंड दिस सेगमेंट अलॉन्ग विद द कंक्लूशन ऑल्सो मैंशंस कलाम्स डेथ ड्रीम फॉर ईयर 2020, ठीक है. उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 2020, उसके बारे में भी आपको लास्ट पार्ट में बिल्कुल आसानी से पढ़ने को मिलेगी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो नेम्ड एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आपको तो पता ही होगा. एंड या ये तो होना ही था, क्योंकि उनके लिए ही टेक्नोलॉजी और हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक हाई लेवल में हम पहुंच गए हैं इंडियंस. उनके लिए हमें प्राउड होना चाहिए. और ये बुक जो है वो अवेलेबल है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये चाइनीज़ में भी अवेलेबल है, और बहुत ही सारे गुजराती, हिंदी और बहुत सारे भाषा में अवेलेबल है. सो आपको जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप उसी लैंग्वेज का बुक परचेस कर सकते हो, तो इजी होगा आपके लिए वो पढ़ना. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस इंग्लिश लैंग्वेज, देन डेफिनेटली यू कैन बाय दिस. ओके, सो पीछे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पर. एंड एक दो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ. देर इज़ समथिंग दैट एवरीबडी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बुक. इस बुक के बारे में उन्होंने पढ़ा और उन्होंने लिखा है, द बुक इज़ वर्दी ऑफ बीइंग रेड बाय एवरी इंडियन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बुक है लाइफ में आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है. आप इंडियन हो, यहाँ पर इंडियन उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इंडियन हो या कोई भी हो, आपको ज़रूर एक बार पढ़ना है, ठीक है. तो द फर्स्ट ऑथेंटिक वॉल्यूम ऑन आर इंडियन स्पेस ओडिसी, डेफिनेटली. एक्चुअली यू नो व्हाट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में आप जितना बोले, मैं जितना बोलूँ वो कम ही है, क्योंकि ही वॉज अ जीनियस. एंड ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है जो आज वो हमारे साथ नहीं है. इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर आर इंडियंस. ओके, फॉर दैट्स वाई आप लोग बुक्स को पढ़िए और उनको याद रखिए. और उन्होंने जैसे हमें शिक्षा दी थी, वैसे एक ड्रीम आप कायम रखें तो आप डेफिनेटली इनको जिंदा रख पाएंगे ऐसे ही, ठीक है. सो या बहुत
बातें हो गई आज और वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया, सॉरी फॉर दैट गाइस, सी यू सून। और ये बुक हर जगह अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी परचेस कर सकते हो या बोरो भी कर सकते हो, लाइब्रेरी में जाके भी आप बोरो कर सकते हो, बस पढ़ लीजिए, ठीक है, दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन एंड ऑल्सो प्रेस दैट लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों, फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया में जस्ट फैला दो, दैट्स इट। सी यू सून गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे नाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।